हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। तो चलिए आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होगी फ्रेंड, आलू पैटीज की रेसिपी। तो चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं हम। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक परात में 2 कप मैदा लिया है। आप इसे आटा से भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने अजवाइन, कलौंजी, नमक स्वाद के अनुसार और घी ले लिया है फ्रेंड। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसे हम ठंडे पानी से एकदम स्मूथ आटा तैयार करेंगे और इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इधर मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को कूट कर रख लिया है। और इधर मैंने धनिया, सौंफ और दरदरा क्रश कर लिया है इसे भी, और इसे भी साइड में रख देंगे। इधर मैंने आलू को छील कर इसे भी मैश कर लिया है। एक बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसमें मैंने दरदरा पेस्ट को डाल दिया पहले, धनिया का पेस्ट। उसके बाद इसमें मैंने अदरक वाला पेस्ट डाल दिया है और फिर मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और ये आमचूर पाउडर है फ्रेंड। तो इसमें मैंने डालकर इसमें मैंने आलू को डाल दिया और ये बहुत ही चटपटी बनेगी फ्रेंड। इसे मेरा 15 मिनट तैयार हो चुका था। तो इसे हम लोहिया ले लेंगे। 12 पेड़े बनाए हैं मैंने, 6-6 का हम लेयर देंगे। जिस तरह खाजा को दिए थे सेम उसी प्रक्रिया में हमें करना है इसे। पहले बेलकर हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे, फिर उसे हम स्लरी डाले हैं, घी और रिफाइंड ले सकते हैं आप कुछ भी, और मैदा डालकर हम स्लरी तैयार कर लिए हैं। और इसे हमें बीच बीच में देकर 6-6 रोटियों का बैच तैयार किया है। और इसे हम बराबर बराबर चारों तरफ से काट लेंगे और ये चरकुट शेप दे देंगे इसमें। उसके बाद इसमें मैंने आलू की फिलिंग डालकर इसे हमें रेक्टेंगल शेप दिया है। आप चाहें तो और भी दूसरा शेप डाल सकते हैं। और इसे मैंने फिर रेस्ट दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इधर लो टेम्परेचर ऑयल पर हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये हीट रहेगी तो ये कच्ची रह जाएगी फ्रेंड और ये हमारा परत नहीं निकलेगा अच्छा से। तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया फ्रेंड इसी तरह सारे। तो देखिए कितना अच्छा बना है फ्रेंड, परत इसकी लेयर टूट रही है एकदम खास्ता। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।